खड़े हैं गाड़ा रेलवे फाटक के इस तिराहे के पास, बहुत ही संवेदनशील और क्रूशियल है ट्रैफिक की दृष्टि से, और यहाँ पर लगातार सघन तलाशी ली जा रही। आज तलाशी के दौरान एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। मामला कुछ ऐसा है कि जहाँ देश की अधिकांश जनता सहित पुष्कर की भी अधिकांश जनता अनुशासन के साथ पूरे लॉकडाउन की पालना कर रही है, देश और समाज के हित में त्याग कर रही है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी तफरी के लिए या कह सकते हैं अपनी मस्ती के लिए पुलिस की आंखों में मिर्ची झोंकने का काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसा ही एक कथित दूधी ने काम किया, जिसने दूध की आड़ में जो उनकी टंकियाँ थी, जब टंकियाँ देखी गई तो दो टंकियों में छेद थे और टंकियों में लंबे समय से जंग लगा हुआ, साफ जाहिर हो रहा था कि लंबे समय से इन टंकियों में दूध नहीं बेचा गया। तो कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना योद्धाओं की जो ये कवायद है उस पर पानी फेरने में लगे हैं। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पारासर, स्वामी न्यूज। पुष्कर पुलिस को जब एक दूधिये पर शक हुआ तो पुलिस ने गनाड़ा के पास कथित दूधिये मांगलिवास निवासी 58 वर्षीय रामस्वरूप कहार की टंकियों को खोल कर देखा तो पुलिस भी हैरान रह गई। दो टंकियों में दूध तो नहीं मिला, लेकिन दोनों में छेद जरूर मिले। इतना ही नहीं, टंकी के पेंदे में इतना जंग था जिससे साफ लग रहा था कि लंबे समय से उन टंकियों में दूध नहीं डाला गया है। इससे साफ हो गया कि यह कथित दूधिया सैर सपाटे के लिए पुलिस की आंखों में मिर्ची डाल रहा था। बहरहाल सीआई राजेश मीणा ने बताया कि गाड़ी को सीज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गनाड़ा फाटक पर एक दूध की बाइक को जब्त किया है। जब उसकी दूध के जो ड्रम को खोल के देखा तो उन ड्रमों के नीचे होलो रखा था जिसमें जंग लगी हुई थी, इसलिए उसको सीज कर दिया नियमानुसार।